नमस्कार, मैं ध्रुव कृष्णावत, केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू का क्लास 11 साइंस का स्टूडेंट, आज आप सबको थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इस इफेक्ट के अनुसार अगर हम एक सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दें, एक एंड को दूसरे के मुकाबले कम टेम्परेचर रखें, तो हाई टेम्परेचर वाले एंड से लो टेम्परेचर वाले एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण होता है, चार्ज का डिफ्यूजन होता है हॉट साइड से कोल्ड साइड की तरफ। अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के कनिष्का विश्वास एंड टीम ने एक नया कंपाउंड बनाया है, सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड ABSBTE2। इस इफेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसी टीम ने 2 साल पहले सिल्वर कॉपर टेल्यूराइड भी बनाया था, और उस कंपाउंड की हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते थे, उसकी हीट कंडक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं थी। पर सिल्वर एंटीमोनी टेल्यूराइड की हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कंपाउंड की एफिशिएंसी 14% है। अब तक के प्रोटोटाइप की हाईएस्ट एफिशिएंसी 10% थी, तो उसके मुकाबले एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम अपने रोज़ की लाइफ में देखते हैं, हमारे आसपास हीट का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी जगह हीट का वेस्टेज होता है, तो उसको यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी स्टेप है। अगर हम इसको एकदम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर सके इस इफेक्ट को, तो वो सारी हीट को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।